नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरी माता और मेरी बहनों, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। आज हम बताने वाले हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में कि जो सुहागन स्त्रियां करवा चौथ के व्रत को रखती हैं उनको पांच बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि कोई भी सुहागन स्त्रियां व्रत करते समय इन पांच बातों का ध्यान नहीं रखती हैं या जानबूझकर भूल जाती है तो उनको करवा चौथ के व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई ज्ञानवर्धक ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलती रहे। दोस्तों, इस करवा चौथ के व्रत को हिंदू धर्म में बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और इस करवा चौथ के व्रत को पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि प्रांतों में मनाते हुए देखा जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां निर्जला रहकर इस व्रत को पूरा करती हैं। ये व्रत सुबह सूर्य उदय होने से पहले और शाम रात्रि चंद्रमा निकलने तक इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी मनाते हुए देखी जाती हैं क्योंकि वो इसलिए मनाती हैं ताकि उनको एक सच्चा साथी, लंबी आयु वाला, सच्चा प्रेम करने वाला पति मिल सके। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। मैं तो कहता हूं इस व्रत को पत्नी को ही नहीं पति को भी साथ करना चाहिए क्योंकि जब पत्नी पति की आयु की लंबी उम्र के लिए इस पति को करती है तो इसमें पति को भी साथ निभाना चाहिए ताकि मेरी पत्नी की उम्र भी लंबी हो। तब तक दोनों की आयु बराबर नहीं होगी, जीवन का मजा नहीं आता है। यदि दोनों की उम्र कम और ज्यादा हो जाए और बीच में गाड़ी खराब हो जाए तो उसमें क्या होता है। इसलिए यदि आप जीवन में साथ जीना चाहते हैं और एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूं पति और पत्नी को दोनों को एक साथ ही व्रत करना चाहिए। इसमें एक खास बात और है कि दोनों के प्रेम संबंध बहुत मजबूत रहेंगे और प्रगट रहेंगे। दूसरे, यदि कोई किसी की पत्नी कमजोर है या गर्भवती है तो उसको व्रत करने में बहुत कठिनाइयां आती हैं, इसलिए आधा व्रत पत्नी को कर लेना चाहिए और दोपहर के बाद आधा व्रत संपूर्ण पति को कर देना चाहिए। तो ऐसे भी इस व्रत को पूरा किया जा सकता है क्योंकि ये जो व्रत किया जाता है ये प्रेम संबंध और रिश्तों को मजबूत करने के लिए ही विशेष मनाया जाता है, तो इसलिए दोनों को मनाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस व्रत को कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि में मनाया जाता है, लेकिन 2019 में जो मनाने का समय है वो जो पूजा है, जो सम मुहूर्त है वो 5:50 से, यानी कि शाम के 5:50 से लेकर 6:58 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा पूजन का। और चंद्रमा निकलने का जो समय है वो 8:20 पर निकलेगा और इसमें पांच बातों का आपको ध्यान रखना है जो हम बताने वाले हैं। जैसा कि जो सुहागन स्त्रियां हैं उनको लाल वस्त्र धारण करने चाहिए, अन्य वस्त्र करना नहीं चाहिए क्योंकि और कलर इसमें शुभ नहीं माने जाते हैं। लेकिन किसी बहन बेटी पर, हमारी माता बहन पर कोई विपत्ति आती है, मजबूरी होती है तो उसमें एक बार कोई भी कलर कर धारण कर सकती हैं, लेकिन सफेद कलर का कपड़ा, कोई भी रंग का कपड़ा आपको धारण बिल्कुल नहीं करना है, ये बिल्कुल अशुभ माना जाता है। नंबर 3, सुहागन स्त्री को 16 श्रृंगार इस व्रत में करने चाहिए। नंबर 4, जो सुहागन स्त्रियां हैं वो पूजन में वस्त्र आभूषण पूज कर उपहार में अपने सासु माता को जरूर दें। यदि सासु माता नहीं है तो नंद को दें, नंद नहीं है तो किसी बुजुर्ग औरत को घर में दे सकती हैं, आपको तो दान करना है। 5वां उपाय है कि सभी का आशीर्वाद लेना है पैर छूकर, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी की बुराई नहीं करनी है, जितना हो सके अच्छा करना और भजन कीर्तन गुणगान करना। इस व्रत को
जब शाम को चंद्रमा निकल आता है तो उसमें गौरी माँ की पूजा जरूर की जाती है। बिना गौरी माँ के पूजा के ये व्रत नहीं खुलता है। गौरी माँ को भोग लगाया जाता है, हलवा पूरी सब्जी आदि जो भी आप खाने की वस्तुएं बनाते हैं उनका भोग लगाइए। उसके बाद चंद्रमा को, सॉरी चंद्रमा को जल देने के बाद, चलनी में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ये व्रत पूरा किया जाता है। और इस व्रत को पति द्वारा खोला जाता है, यानी कि पति जल पिलाकर पहला अर्घ, पहला जल की एक बूंद से पत्नी को व्रत खोलने के लिए तैयार रहता है, तभी ये व्रत संपूर्ण माना जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये व्रत संपूर्ण हो, सफल हो और खुशी के साथ आपका प्रेम संबंध मजबूत हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पंडित राजगुरु शर्मा आप सभी करता है नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।